हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्रोक्लिनियम प्लांट्स के ऊपर, जो कि हमारे सर्दियों के मौसम का यानी कि विंटर सीजन का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट होता है। कैसे जो हम इसे घरों में इजिली ग्रो कर सकते हैं, वो भी इनकी सीडलिंग से देखे पूरा हम आज की वीडियो में फ्लावरिंग तक का प्रोसेस देखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एंजॉय करिएगा, और अगर देखिए ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखिए आपको एक्रोक्लिनियम प्लांट्स को लगाना है इनकी सीड से। तो देखिए आप जो ऐसे 15 सितंबर के बाद इजीली ग्रो कर सकती हैं ये, इसके जो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें लगाने के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन। तो यहाँ पे अगर देखें हम सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए उसके सॉइल प्रिपरेशन की बात करें, उसमें हमें यूज करना है 50% रहेगी हमारी कोकोपीट और 50% रहेगा हमारा बर्मी कंपोस्ट। अगर देखिए आपका बर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप देखिए जो नॉर्मल कंपोस्ट रहता है यानी कि गोबर की खाद, उसका भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। आप देखिए हम इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा एक्रो क्लिनियम प्लांट्स के लिए सॉइल प्रिपरेशन था वो हमारा रेडी है। यहाँ पे अगर देखें हम पॉट की बात करें तो सिंपली आप देखें यहाँ पे कोई सा ही पॉट का यूज कर सकते हैं इसकी सीडलिंग के लिए। अब यहाँ पे देखें जैसा कि मैं प्लास्टिक पॉट का यूज करने वाला हूँ, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम के लिए आप देख सकते हैं कितने सारे होल्स हैं। बॉटम में देखें होल्स होना कंपलसरी है। आप देखें कोई से भी फ्लावर प्लांट से वेजिटेबल प्लांट की सीडलिंग कर रहे हैं तो अब देखें इन होल्स को जो है हमें छोटे छोटे पत्थरों की वजह से कवर करना पड़ेगा, जिससे जब देखें हम इसकी वाटरिंग करें तो इसके साथ साथ हमारे सॉइल भी इसके साथ ना निकले बाहर। इसलिए देखिए आपको इसे पत्थर से कर देना है कवर। अब इसके बाद देखिए जो हमने हमारी सॉइल रेडी करी है उससे करते हैं वैसे फिल, ऊपर से थोड़ा सा खाली छोड़ेंगे क्योंकि मैं देखिए हमारे सीड्स को भी करना पड़ेगा यहाँ पे प्लेस। इसके बाद देखिए आपको इसे अपने हैंड के मैच से थोड़ा थोड़ा पुश कर देना है, जिससे इसके एयर पॉकेट्स हैं वे खत्म हो जाएं। इसके बाद देखिए आपको करना है इसकी वाटरिंग, फिर हम हमारे सीड्स को करेंगे प्लेस। तो यहाँ पे देखिए हमने जो इसकी वाटरिंग भी कर दी। अब देखिए पहले हम लगा देते हैं इस पर टैग, जिससे हमें याद रहे हमने इसकी सीडलिंग करी है। इसके बाद देखिए ये हमारे सीड्स। अब पहले देखिए हम इसे जो हमारी पैकेट में से निकाल लेते हैं। आपको देखिए हमेशा ऑर्गेनिक और गुड क्वालिटी के सीड्स को परचेस करना है, चाहे आप देखिए इसे लोकल नर्सरी से भी परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारे फ्रेंड्स एक्रोक्लिनियम के सीड्स, और आप जैसा कि देख सकते हैं कितने ही अच्छे हैं ये दिखने में। अब पहले देखिए हम इसे जो हमारी पैकेट में से निकाल लेते हैं बाहर। मैं यहाँ पे देखिए इसके सारे ही सीड्स को नहीं लगा रहा हूँ, मैं कुछ सीड्स को लगा रहा हूँ। ये देखिए मिक्स कलर के सीड्स हैं इसके, और आप देख सकते हैं ये रोई टाइप में इसके सीड्स हैं। अब नॉर्मली देखिए हम इसे सॉइल सरफेस पे कर देना है प्लेस, और एक बात का याद रखना है आपको डिस्टेंस पे आपको इसे करना है प्लेस। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो हमारे सीड्स थे वो हमने हमारे देखे सॉइल सरफेस पे भी प्लेस कर दिए हैं। इसके बाद देखिए हमें जो है ऊपर से सेम सॉइल से कर देना है कवर, और देखिए आपको 0.5 सेंटीमीटर यानी कि आधा इंच तक की ही लेयर करना है। तो चलिए हम इस पे करते हैं ऊपर से सेम सॉइल की लेयर। और देखिए ऊपर से फिर आपको कर देना है इसकी थोड़ी और वाटर। पे देखिए हमने जो इसकी ऊपर से भी वाटरिंग कर दी है। अब देखिए हम इसे कवर कर देंगे न्यूज़पेपर से, जिसमें इसमें बन जाए मॉइस्चर। मॉइस्चर से क्या होगा इसकी सीड्स की जो जर्मिनेशन है फ्रेंड्स जल्दी स्टार्ट होगी। और देखिए इसे हम अच्छी तरीके से कर देंगे एयरटाइट। अब देखिए हम इसे प्लेस कर देंगे शेडी एरिया में, जब तक इनके सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट ना हो जाए, फिर हम जो इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी प्लेस कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके सक्सेसफुल आफ्टर 4 डेज। तो यहाँ पे देखिए जो हमने हमारे एक्रोक्लिनियम के प्लांट्स को लगाया था उनकी सीड से, इन्हें लगा हुए 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं इनके सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। और देखिए कितने ही ब्यूटीफुल हमें इसके प्लांट्स मिले हैं। हालांकि देखिए मैंने इसके जो है कम सीड्स को रहा था, तो देखिए हमें इसके 4 ही प्लांट्स मिले हैं। बाकी देखिए हम कुछ दिन और वेट करते हैं जब तक ये प्लांट बिग होते हैं, और देखते हैं तब तक इनके थोड़े बहुत सीड्स और जर्मिनेट हो जाए तो अच्छी बात है, वरना मैं अलग से भी डाल दूंगा।
जिससे मेरे को इसके और भी प्लांट्स मिल सकें। तो देखिए अब आप इसे जो है डायरेक्ट सनलाइट में भी प्लेस कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके रिजल्ट। आफ्टर वन मंथ तो यहाँ पे देखिए जो हमने हमारे एक्रोक्लिनियम प्लांट्स को लगाया था उनकी सीड से, इन्हें लगा हुए एक महीना कंप्लीट हो चुका है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मैंने आपके सामने लगा कर दिखाए थे ये वो वाले, और ये देखिए मैंने बाद में सेम सीड्स और सेम पोटिंग सॉइल में लगाए थे ये वो वाले प्लांट्स हैं, क्योंकि ये देखिए मैंने कम सीड्स डाले थे तो मेरे को इसमें कम ही प्लांट्स मिले थे, यानी कि चार ही प्लांट्स मिले थे, और इसमें देखिए मैंने सारे ही सीड्स डाले थे तो इसमें देखिए मेरे को पांच प्लांट्स मिल चुके हैं, ये सफिशियंट है मेरे लिए। अब देखिए आज हम देखते हैं कैसे हम इसे जो है बिग पॉट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्रांसफर करने के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन। देखिए जब इनमें तीन से चार ट्रू लीव्स आ जाएं तो देखिए ये हो जाते हैं रेडी ट्रांसप्लांटिंग के लिए। अब जैसे कि देखिए ये हो चुके हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्रांसफर करने के लिए इनका सॉइल प्रिपरेशन। तो यहाँ पे अगर देखिए हम सॉइल प्रिपरेशन की बात करें उसमें हमें यूज करना है 30% रहेगी हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रहेगा हमारा वन ईयर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, 20% रहेगा हमारा बर्मी कंपोस्ट, और 20% रहेगी हमारी कोकोपीट। अब देखें इन चारों को हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सॉइल प्रिपरेशन था एग्रोक्लिनियम प्लांट्स के लिए वो हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पे अगर देखिए हम पॉट की बात करें, नॉर्मली आप देखिए कोई सा ही पॉट इसमें यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप देखिए प्लास्टिक पॉट का यूज कर सकते हैं, सीमेंट पॉट का यूज कर सकते हैं, काली मिट्टी के जो पके पकाए पॉट्स आते हैं आप उनका भी यहाँ तक यूज कर सकते हैं, ये इजीली हर पॉट में ग्रो हो जाते हैं। और अगर देखिए पॉट के साइज की बात करें तो देखिए मीडियम साइज भी इनके लिए चल जाएगा, यानी कि देखिए ज्यादा बिग पॉट की भी आपको इन प्लांट्स को लगाने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन अगर देखिए यहीं पर आप ज्यादा स्मॉल पॉट ले लेंगे तो देखिए उसमें क्या प्लांट्स तो आपका ग्रो हो जाएगा लेकिन फ्लावरिंग जो हैवी क्वांटिटी में नहीं आ पाएगी। इसलिए देखिए मेरा सजेशन यही है कि आप इसके लिए मीडियम साइज का पॉट लें। जिस तरीके से देखिए मैंने लिया हुआ है सीमेंट पॉट जिसमें देखिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए बॉटम में होल कंपलसरी है। अब देखिए पहले में से फिल कर लेते हैं हमारे पॉटिंग सॉइल से। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला पॉट है वो हमने हमारे पॉटिंग सॉइल से फिल कर लिया है, फुल फिल आपको करना है। अब देखिए इसे अपने हैंड की मदद से थोड़ा थोड़ा पोच कर देना है जिससे इसके एयर पॉकेट्स हैं वह खत्म हो जाएं। अब देखिए इसी तरीके से पहले हम और पॉट्स को फिल कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ इसका प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पॉट थे वो हमने हमारे पॉटिंग सॉइल से फिल कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए दो मैंने सीमेंट पॉट लिए हैं, दो प्लास्टिक पॉट लिए हैं, जिससे देखिए मैं आपको बता सकूं आप इन्हें जो है प्लास्टिक पॉट में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारे जो एक्रोक्लिनियम के प्लांट्स हैं वो मन में करते हैं। हमारे एक्रोक्लिनियम के प्लांट्स इजीली देखिए आपको शार्फ टूल लेना है जो देखिए रूट्स को डैमेज ना करे। इसके बाद देखिए आपको बिल्कुल इसे नीचे से निकालना है कुछ इस तरीके से। तो अब देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी रूटिंग भी कितनी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक पॉट में दो प्लांट्स को लगाऊंगा, तो इसी तरीके से देखिए मैं एक प्लांट को और निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने हमारे दो प्लांट्स को निकाल लिया, आप चाहें तो देखिए एक पॉट में एक ही प्लांट्स को लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए दो प्लांट को लगा रहा हूँ। देखिए इजीली आपको सेंटर में एक होल कर लेना और इन प्लांट्स को कर देना आपको स्ट्रेट प्लेस। तो देखिए यहाँ पे हमने होल कर लिया और इन प्लांट्स को कर देंगे हम स्ट्रेट प्लेस और सॉइल से कर देंगे, सेम सॉइल से कर देंगे अगल बगल से हम कवर। तो अब देखिए जैसा कि आपने देखा कितना सिंपल है इन प्लांट्स को ट्रांसफर करना। अब देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको बता दूं इसका ये जो नीचे का भाग है आपको ज्यादा मिट्टी में नहीं दबाना है, सिर्फ थोड़ा सा आपको इसको यानी कि देखे लगभग इतना आपको इसे मिट्टी के अंदर दबाना है, ज़्यादा भी आपको नहीं दबाना है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसका जो ऊपर का भाग है हम इसे कर देंगे कट, जिससे क्या होगा इसकी साइड स्टेम सब पकड़ लेंगी ग्रोथ। ये देखिए आपको तभी कट करना है जब आपके प्लांट्स कुछ लगभग इतनी हाइट के हो जाएं, स्मॉल प्लांट्स की नहीं करना है।
इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अब जो साइड स्टेम्स है वो ग्रोथ पकड़ेंगे। इसी तरीके से देखें हमारे और प्लांट्स लगा देते हैं इन पॉट्स में। तो यहाँ पर देखें जो हमारे सारे ही एक्रोक्लिनियम के प्लांट्स थे वो हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हें हमने ट्रांसफर कर दिया बिल्कुल सेम मेथड से जिस तरीके से हमने देखे पहले वाले को करा था। इसी तरीके से देखें प्लास्टिक पॉट्स में भी हमने कर दिया है। अब देखें इसके बाद हमें हल्का कर देंगे इसकी वॉटरिंग जिससे देखें इसे ट्रांसप्लांट शॉक ना लगे। तो चलिए हम हल्का करते हैं इसकी वॉटरिंग। तो यहाँ पर देखिए हमने जो इनकी वॉटरिंग भी कर दी है। अब देखिए हम इसे प्लेस कर देंगे एक दो दिन के लिए शेडी एरिया में, फिर हम इसे प्लेस कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि देखिए जो हमारे एक्रोक्लिनियम प्लांट्स होते हैं इन्हें सर्दियों के मौसम की डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो चलिए हम इसे प्लेस करेंगे शेडी एरिया में, फिर हम प्लेस करते हैं इसे डायरेक्ट सनलाइट में। चलिए हम देखते हैं इसके रिजल्ट। After 60 days, तो यहाँ पे देखिए जो हमने हमारे एक्रोक्लिनियम प्लांट्स को लगाया था इन्हें लगा हुए 60 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। आपको देखिए हर इसमें 20 दिन के गैप में ऐड करना आएगा फर्टिलाइजर, जो कि हमारा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो कि हमारी DAP डायमोनियम फॉस्फेट। आप चाहें तो देखिए इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह आप चाहें तो देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि बर्मी कंपोस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं देखिए इसमें DAP का यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, इनके जो सॉइल की है उसकी कर लेना थोड़ी थोड़ी गुड़ाई, जिससे क्या हो देखिए जो हमारी DAP है वो अच्छी तरीके से इनमें डिजॉल्व हो सके। तो देखिए इसके हम सॉइल की करते हैं थोड़ी थोड़ी गुड़ाई। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने जो है इसके सॉइल की भी गुड़ाई कर ली है। देखिए ये हमारी DAP डायमोनियम फॉस्फेट, इसे हम देखिए ऐड कर देते हैं। और देखिए बात का आपको याद रखना है, इसमें अगर देखिए किसी भी तरीके से जंगली प्लांट्स लगे हो तो उन्हें आपको रिमूव कर देना है, लेकिन देखिए इसमें नहीं लगे थे। तो देखिए आपको क्या करना है, एक पॉट जैसे कि देखिए इस पॉट का साइज जो है स्मॉल है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 से 7 दाने DAP के यूज़ करना है। और देखिए बिग पॉट की बात करें तो इसमें 8 से 10 दाने ही आपको यूज़ करना है। और एक बात का याद रखना है, हर 15 से 20 दिन के गैप में आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। उसके बाद देखिए जब आप DAP को ऐड करें तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए हमारा एक्रोक्लिनियम का प्लांट। अब देखिए इसकी ये जो मेन स्टेम्स है इससे आपको दूर ही प्लेस करना है। तो चलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि देखिए प्लांट्स की जो मेन स्टेम्स है इससे आपको दूर प्लेस करना है, वरना ये आपको प्लांट्स को बर्न कर देगा। और देखिए ऐड करने के बाद हम इसकी कर देंगे ऊपर से देखिए मिक्स कर देंगे इसे सॉइल से, यानी कि कवर कर देंगे। और इसके बाद देखिए हल्का कर देंगे हम इसकी वॉटरिंग। और देखिए यही सेम प्रोसेस हमारे और जो एक्रोक्लिनियम के प्लांट्स हैं उनके साथ कर देना है। बस देखिए मैं इसकी वॉटरिंग अभी ही कर दूंगा, लेकिन देखिए इसकी जो सॉइल है मॉइस्ट है, तो देखिए मैं ज़्यादा इसकी वॉटरिंग नहीं करूँगा। तो इसी तरीके से देखिए जो हमारे और भी एक्रोक्लिनियम के प्लांट्स हैं इनके साथ हम सेम कर देंगे। और अब देखिए हम कुछ दिन का वेट करते हैं। और देखिए एक बात का याद रखना है, जैसे जैसे देखिए इन प्लांट्स की ग्रोथ बिग होगी इंसेक्ट का भी अटैक इन पर बढ़ेगा। इसलिए देखिए जैसे कि मैं हर 15 दिन के गैप में इसमें जो नीमोल का स्प्रे कर देता हूँ, तो आपको देखिए हर 15 दिन के गैप में नीमोल का भी स्प्रे करना है। 1 लीटर वाटर में आपको 5 ml नीमोल ले लेना है, अच्छी तरीके से डिजोल्व करने के बाद इन पर कर देना है आपको स्प्रे। तो देखिए उसका भी स्प्रे मैं करता रहता हूँ। तो चलिए हम कुछ दिन का वेट करते हैं और देखते हैं इसकी फ्लावरिंग After 115 days, तो यहाँ पे देखो जो हमने हमारे एक्रोक्लिनियम प्लांट्स को लगाया था इन्हें लगा हुए 115 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें फ्लावर के बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और देख सकते हैं कितने सारे इसमें बर्ड्स लग रहे हैं, ये देखिए। और इसी तरीके से देखिए इसके जो और प्लांट्स हैं इनमें भी देखिए फ्लावर के बर्ड्स आना भी स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए। और कुछ में तो देखिए इसके फ्लावर भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए जिसने देखिए हमने छोटे वाले पॉट्स में लगाया था, देखिए इसमें तो इनके फ्लावर भी खिल चुके हैं जिस तरीके से देखिए आपको ये दिख रहे होंगे। तो ये देखिए हमारे कुछ 115 दिन बाद के रिजल्ट। देखिए जो एक्रोक्लिनियम प्लांट्स होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही धीमे धीमे इसकी ग्रोथ होती है, यानी कि देखिए और प्लांट्स की तरह जो है एकदम से ये नहीं बढ़ता है, यानी कि एकदम से इसकी ग्रोथ नहीं होती है। देखिए थोड़ा स्लो इसकी प्रोसेसिंग होती है, लेकिन इसका आप फ्लावर देख सकते हैं देखने में कितना ही अच्छा लगता है। अभी देखिए ये जो मैंने छोटे वाले पॉट्स में लगाया था इसकी ये फ्लावरिंग है।
और देखिए ये जो बड़े वाले पॉट्स हैं देखिए इनमें भी अब बर्ड्स लगभग आ चुकी है। अब देखिए हम कुछ दिन का भी टॉक करते हैं और देखिए यार आपको 20 दिन के गैप में इसमें जो है डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट और नीम ऑयल का स्प्रे इन पर करते रहना है, जिससे देखिए डीएपी क्या करेगा आपकी सॉइल से इन प्लांट्स को देगा न्यूट्रिशंस और नीम ऑयल जो है आपके प्लांट्स को रखेगा इंसेक्ट फ्री। तो इन दो चीज़ों का देखिए आपको इस्तेमाल करना है और किसी भी चीज़ का इस पर इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी देखिए हम कुछ दिन का वेट करते हैं और देखते हैं इसके आगे के रिजल्ट आफ्टर 150 डेज। तो यहाँ पे देखिए जो हमने हमारे एग्रोक्लिनियम प्लांट्स को लगाया था इनकी सीडलिंग से, इन्हें लगा हुए 150 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो चुकी है और देखिए कितने ब्यूटीफुल इनके फ्लावर्स दिख रहे हैं। इसके देखिए जो फ्लावर का साइज रहता है फ्रेंड्स वो स्मॉल रहता है और देखिए ये जो है थोड़े डिस्टेंस पर भी खिलते हैं, लेकिन देखिए इसका जो फ्लावर रहता है देखिए दिखने में कितना ही ज्यादा सुंदर ये लगता है। इसी तरीके से देखिए इसमें और भी फ्लावर्स लगे हुए हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी देखिए इसकी फ्लावरिंग लगी हुई है, लेकिन देखिए इसकी जो फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्टेंस पर होती है, तो ये दिखने में ज़्यादा देखिए घनी फ्लावरिंग का प्लांट नहीं लगता है, लेकिन देखिए इसके जो फ्लावर्स रहते हैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जिस तरीके से ये आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए इसी तरीके से आप भी अपने घरों में एक्रोक्लिनियम प्लांट्स को लगा सकते हैं, वो भी उनकी सीडलिंग से जिस तरीके से देखिए मैंने लगाया हुआ है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माई यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे हम फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।